समूहीकरण एवं वर्गीकरण के पूर्व प्रयास, फॉर्मर अटेम्प्ट ऑफ ग्रुपिंग एंड क्लासिफिकेशंस। ऐतिहासिक दस्तावेजों से हमें पता लगता है कि सर्वप्रथम अरस्तु ने जीवों को उनके आवास के आधार पर समूहीकृत करने का प्रयास किया था। इस आधार पर उन्होंने जीवों के जलीय व स्थलीय जैसे समूह बनाए थे। अरस्तु के बाद जीवों के वर्गीकरण के और भी प्रयास हुए होंगे, परंतु हमारे पास कुछ प्रयासों के बारे में ही जानकारी उपलब्ध है। 1686 में जॉन रे ने पौधों के वर्गीकरण में पौधों के बाह्य लक्षणों को आधार बनाया। जॉन रे के बाद केरोलस लिनियस नामक एक वैज्ञानिक ने दुनिया भर के तमाम पौधों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया। लिनियस ने सबसे महत्वपूर्ण काम यह किया कि कुछ विशिष्ट गुणों जैसे फूलों में नर व मादा अंगों की उपस्थिति व संख्या के आधार पर सरल वर्गीकरण दिया। इसे लैंगिक वर्गीकरण कहते हैं। इसका विवरण उनकी 1735 में प्रकाशित पुस्तिका सिस्टेम नेचुरे में मिलता है। लिनियस ने सजीवों को वर्गीकृत करने के लिए जंतुओं व वनस्पतियों के हजारों नमूनों को एकत्रित कर तुलनात्मक अध्ययन किया तथा एक ऐसा वर्गीकरण विकसित करने में सफल हुए जिससे जंतुओं व वनस्पतियों की प्रत्येक जाति को पृथक पृथक वर्गीकृत किया जा सकता था। जंतुओं व वनस्पतियों की शारीरिक विशेषताओं के बारे में लिनियस ने व्यवस्थित रूप से जो ज्ञान हासिल किया था उसका समूचे जीव विज्ञान पर गहरा असर रहा। इस पद्धति में संपूर्ण जीव जगत को दो जगत में बांटा गया है, पादप जगत एवं जंतु जगत। केरोलस लिनियस ने वर्गीकरण में सबसे पहले पदानुक्रम शब्द का प्रयोग किया था। पदानुक्रम वह प्रक्रिया है जिसमें जीवों को उनके गुणों और विकास के आधार पर एक निश्चित श्रृंखला के अंतर्गत विभिन्न समूहों में व्यवस्थित किया जाता है। जैसे मनुष्य का पदानुक्रम पहला जगत किंगडम, एनिमेलिया बहुकोशिकी यूकेरियोटिक अंतर्ग्रहण पोषण विधि, संघ कार्डेटा कशेरुक दंड जोड़ीदार उपांग, वर्ग क्लास मेमेलिया शरीर रोएं से ढका बाह्य कर्ण उपस्थित, गण ऑर्डर प्राइमेट्स अंगूठे की स्थिति विपरीत अग्र व पश्चपाद में पांच पांच उंगलियां, कुल फैमिली होमोनिड द्विपाद चलन, वंश जीन्स होमो सुविकसित मस्तिष्क, जाति स्पेसियस सेपियस। द्विजगत वर्गीकरण में कुछ कमियां थी, जैसे कि इस वर्गीकरण में लिनियस ने सभी जीवों को सिर्फ दो वर्गों में सीमाबद्ध किया, परंतु कई ऐसे जीव पाए गए जो पादप एवं जंतु दोनों के लक्षण दर्शाते हैं। क्या आप जानते हैं एक ऐसा ही जीव है युगलिना, जिसमें जंतु और पौधों दोनों के लक्षण मिलते हैं। यह एक कोशिकीय जीव है, इसमें हरित लवक पाया जाता है, इसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। यह स्वपोषण तथा विषम पोषण दोनों प्रकार से भोजन प्राप्त कर सकता है। लिनियस की जानकारी के दायरे में कोशिकाओं एवं आंतरिक संरचनाओं के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं थी। समय के साथ सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ाने के आविष्कार होते रहे, जिससे जीवों में विविधता का और गहन अध्ययन संभव हुआ। अतः लिनियस जीवों की कोशिकाओं की आंतरिक संरचनाओं को अपने वर्गीकरण में स्थान नहीं दे पाए। जैसे जैसे कोशिकाओं की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी बढ़ती गई, नए जीवों का पता चलता गया, वैसे वैसे वर्गीकरण के नए आधार मिलते गए। इसके साथ ही वर्गीकरण के नए तरीके भी खोजे गए। ऐसा ही एक वर्गीकरण 1969 में R.H. विटिकर ने किया। विटिकर ने संपूर्ण जीव जगत को पांच जगत में वर्गीकृत किया। इस वर्गीकरण के मुख्य आधार इस प्रकार थे। पहला, केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति व उपस्थिति, प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक। दूसरा,
संगठन का स्तर, एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय। तीसरा, पोषण प्राप्त करने की विधि, स्वपोषी व विषमपोषी।